चने की दाल और 1.5 पाउंड लिया है माश की दाल, जो मतलब ये चने की दाल माश की दाल देखिए कुछ इस तरह की है। सो इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है, किसी ऑयल में नहीं, बस ऐसे ही हमने चूल्हे ऑन करना है। ऊपर कोई किसी भी पैन में आप इस दाल को हल्का सा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने इनको भूनना नहीं है, जस्ट हल्का सा इसको लाइक फ्राई करना है। जस्ट क्या कह सकते हैं कि किसी ऑयल में फ्राई नहीं करना, जस्ट एक चूल्हे के ऊपर उसकी गर्माहट से, क्योंकि ये फिर आसानी से, एक तो ये इसमें कच्चापन दूर हो जाएगा और दूसरा ये आसानी से हम इसको इसको बहुत पीस सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी, आपने बिल्कुल पीसना है या इसको थोड़ा सा, जैसे हम सूखा धनिया थोड़ा सा करते हैं ना, ना बहुत पीसना ना बहुत मोटा, एक दादर सा कर लेते हैं, तो डिपेंड आप पे करता है कि बच्चों के लिए बना रहे हैं या बड़ों के घर में, अगर कुछ बड़े भी हैं तो थोड़ा सा और बारीक कर लें तो वो हमें उसमें आसानी रहेगी इसको ब्रिक करने में, ग्राइंड करने में। तो एक तो इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, फिर आसानी से ये ग्राइंड हो जाएगा। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं। हमने चूल्हे को ऑन किया, पैन में ये दाल डाली, नीचे हमने कुछ नहीं डाला, कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, इसको लाइक 3 मिनट के लिए आप हल्का सा बराबर चम्मच हिलाती रहें तो इसका हल्का सा कलर चेंज होगा। हमें उसकी खुशबू बता देती है कि अब ये ऑलरेडी गर्म हो चुका है, मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 मिनट के लिए हम इसको करते हैं, फिर दूसरी दाल करेंगे, हम इकट्ठा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमें इकट्ठा करेंगे तो इसको हमें ग्राइंड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये जल्दी से पिस जाएगी, वो थोड़ी टाइम लेती है, तो फिर वो उसका आपस में जो सही नहीं रहेगा ना, कोई बिल्कुल पाउडर बन जाएगा और कोई दानेदार रहेगा, तो इसलिए हम अपने हिसाब से इसको करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको 3 मिनट के लिए करते हैं। देखिए देखिए जरा इसका रंग चेंज हो गया, ठीक है। इसको चम्मच बराबर हिलाते रहिए, वरना ये नीचे से जो दाने हैं वो जल जाएंगे। तो ये हल्का सा चेंज हो गया, तो अब हम इसको इसको वापस बर्तन में डालते हैं और चने की दाल को भी सेम ऐसी प्रोसेस में रखते हैं। सो गाइस, अभी हमने चने की दाल को पैन में डाला है, माश की दाल को अलग पैन में निकाल लिया है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही हमने जस्ट 5 मिनट के लिए, 5 3 ये आपको समय पता चल जाएगा, 3 मिनट में भी समटाइम हो जाती है, तो वैसे ऐसे लेकिन मैक्सिमम 5 मिनट ही लगते हैं, 3 या 4 मिनट के अंदर ये अपने कलर को थोड़ा चेंज कर देगी। इसमें आपको थोड़ा सा ऐसे समझ नहीं आएगी ये कलर कैसे, ऑलरेडी इसका ऐसे ही कलर है, लेकिन आपको खुशबू बता देती है कि ये भुन चुकी है, फ्राई हो चुकी है, तो अभी मोल नहीं करना, ठीक है। सो गाइस, मेरी अच्छी सी खुशबू आने लगी है, जैस्मिन ये होगी जितना हमने इसको करने से कर लिया, तो बस मैं बाबा कहती हूँ कि दोनों दालों का टुगेदर अपने लिए हल्का सा लाइट रोड नहीं करना, क्योंकि माश की दाल बहुत थोड़ा टाइम लेती है और ये 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लेती है, जैसे मैं वरना अगर टुगेदर करोगे तो माश की दाल जल जाएगी और ये भी अच्छी तरह फ्राई नहीं होगी, तो जैसे मैं उनको दोनों को अलग अलग ही आप ये हल्का सा लाइट ब्राउन करें और अलग अलग ही उनको ग्राइंड करें, ठीक है। सो गाइस, हमने आपको बताया था कि दालचीनी के माश को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है, उसके बाद हमने उसको निकाल लेना है और उसमें उसके साथ ही उसको एक पैन में रखना है और उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड आप पे डिपेंड करता है, आपने उसको बहुत बारीक करना है चाहे थोड़ा मोटा मोटा सा करना है। अब वो भी चीज़ें ग्राइंड कर ली, अब हमारे पास आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं, बादाम है, काजू है, किशमिश है या अखरोट हैं या आपके पास पिस्ता है, तो जितने भी आपके पास होंगे ड्राई फ्रूट आप उनको लें, तो उनमें से किशमिश को आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं, ये वैसे ही मज़ा करती है, अच्छा लगता है इसको खाने में जब टेस्ट आता है, तो ये कोई इतना हर्ट नहीं करा है, ना दांतों को ना आपके मुंह के अंदर कुछ भी नहीं बनाएगी, लेकिन बाकी बादाम काजू और अखरोट को आप हल्का सा उसको ग्राइंड कर लें तो खाने में भी आसानी होती है, बच्चों को भी इतना मुश्किल नहीं होता, तो ना ही कभी की कोई कंप्लेन आएगी कि ये दान में चला गया मम्मा या बड़ों की, कुछ भी नहीं। सो ये ड्राई फ्रूट भी हमने अभी ग्राइंड कर लेने हैं, ठीक है। सो गाइस, देखिए मैंने जो ड्राई फ्रूट था उसको भी ग्राइंड कर लिया है,
मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो किशमिश है इसको हम नहीं करेंगे, ये वैसे ही अच्छी लगती है टेस्ट में भी। तो मैंने ना बहुत बारीक किया है ना बहुत मोटा, बस दरमियाना किया है। तो अभी करना काफ़ी भाग गई है, बस हमने सोचा पहले आपको हम थोड़ा सा इसका दिखा दें। तो दाल को भी हमने कर लिया और इसको भी हम कर रहे हैं, बट मैं जैसे आपको दिखाने के लिए कि लाइक ऐसा आप करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा टेस्ट देगा। टेस्ट तो वैसे भी अच्छा है लेकिन ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए साथ साथ हम आपको बताते जाते हैं। सो गाइस, हमने जो दोनों दालों को ग्राइंड किया था उसके अंदर हमने, आपकी मर्जी है, आप ऑल डालना चाहें जैसे घी डालना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है। सब लोगों को देसी घी की स्मेल अच्छी नहीं लगती, सब को ऑयल अच्छा नहीं लगता, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो भी पसंद है। लेकिन मैं तो रेकमेंड करूँगी अगर थोड़ा सा आप देसी घी डाल रहे हैं तो नॉट बैड, फ्रेश घर का ताज़ा। तो अगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो आप ऑलिव डाल रहे हैं, उसका ऑयल डाल रहे हैं, कोकोनट का ऑयल डाल रहे हैं, एज यू विश। लेकिन हमने उस दालों में, दोनों दालों को ग्राइंड कर लिया अलग अलग। अब उसमें हमने लाइक है एक पाव के हिसाब से देसी घी डाला, ठीक है। अब इसको हम इसमें थोड़ा भून लेंगे। तो भूनने के बाद फिर हम आपको बताते हैं अगला प्रोसेस। ओके गाइस, अब हमने दोनों दालें हमने ग्राइंड की थी तो हमने थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको भून लिया है। तो अब ये सॉफ्ट है, अभी वीडियो में आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रही होगी, बट ये की साउंड को देखें ज़रा। तो इसको ये भी हम 1 कप लेंगे, डिपेंड आपकी बाकी चीज़ों पे करता है कि आपके पास कितनी चीज़ें। अगर आपके पास दालें 2-2 कप हैं तो ये 1 कप, अगर वो 4 कप हैं तो ये 2 कप। इसको हल्का सा रिजॉर्ट दे के बस हल्का सा हम इसको गर्म कर लेंगे, ठीक है। और इसको गर्म करने के बाद हम चूल्हे को बंद करके इसको निकाल लेंगे। हमारा पैन ऑलरेडी बहुत गर्म होएगा, उसमें हमारे पास मिट्टी है देखें ज़रा, तो इनको भी हम इसमें कर लेंगे, देखिए क्योंकि तो रेटिंग बहुत जल्दी जल जाते हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये हमारा पैन गर्म है, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे फिर इसे बंद करेंगे, इसी गर्म पैन के अंदर इसको हल्का सा एक दफ़ा हिला लेंगे तेल को और इनको उन चीज़ों में हिला देंगे। फिर तो हम बाकी चीज़ें इसको बिटा देंगे। ये देखिए, ये हमने हल्का सा इसको फ्राई कर लिया तो इसका कच्चापन भी दूर हो गया और बस खुशबू बहुत ज़्यादा देने लग पड़ा। और चूल्हे को हमने बंद कर दिया और इसमें तिल को हल्का सा हम गर्म कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये पैन इतना गर्म है कि हमें इतनी हीट की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये तिल बहुत जल्दी जल जाती है। सो गाइस, हमने आपको जो दाल बनाई उसको पहले थोड़ा सा किया, फिर उसको पैन किया, सारा कुछ जो हमने आपको बताया, अब इनको हमने टूगेदर कर दिया, अब इनको हमने मिक्स कर लेना है। तो आगे आपकी चॉइस है, अगर तो आपको मीठा पसंद नहीं तो ज़रूरी नहीं है इसमें आप मीठा डालें। अगर आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए तो आप इसमें 2 कप चीनी भी डाल सकते हैं। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। अगर आपको शक्कर पसंद नहीं गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ पसंद नहीं तो आप मिश्री भी डाल सकते हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं डालें, ड्राई फ्रूट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिठास करते हैं। तो लेट्स सी, अब इसको मिक्स करके हम आपको बताते हैं। हाय, सो दिस इज़ वेरी यम्मी। यू कैन ईट इट विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, यू कैन ईट इट इन द मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट, यू कैन ईट इट फॉर अ स्नैक, यू कैन लाइक ईट, लाइक आई लव टू ईट इट, दिस इज़ लिटरली जस्ट अमेजिंग। I love them. As you can see, they're so good. They look so appetizing, so amazing. They look so yummy, and I'm so, I just like can't wait to dig in. And like, they're so good. Like, I eat them all the time. My mom makes them for me.